हेलो, गुड इवनिंग. हेलो हेलो, हाय गाइस, दिस इज फ्राइडे विद फोरम. एंड हर फ्राइडे की तरह आज भी हम लाइव यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए तैयार है. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चंस है, एंड वी आर गोना टॉक अ लॉट अबाउट दिस. आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज लास्ट 1 वीक में मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं अबाउट दिस फ्राइडे विद फोरम्स शो. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव यू नो अप्रिशिएटेड. एंड नॉट ओनली अप्रिशिएटेड, ट्रस्ट मी, मैं जिन लोगों तक ये मैसेजेस, ये डिजिटल मार्केटिंग का मैसेजेस पहुंचाना, नॉलेज पहुंचाना चाहती थी, आई थिंक द करेक्ट मैसेज सही लोगों तक पहुंच रहा है. सो पीपल हैव, सो मेनी पीपल हैव एक्नॉलेज्ड एंड दे हैव अप्रिशिएटेड के वो ये सेशन से बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं. एंड फ्राइडे विद फोरम का वो इंतजार करते हैं, लाइक यू नो व्हेन द फ्राइडे विल कम एंड 6 o'clock, 6 o'clock आई विल कम लाइव एंड विल टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू नो दिस फीडबैक. सो ऑलराइट, जितने भी जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाई दिस फंबल इज हैपनिंग, बट एनी वेज, सो जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, गाइज, ऑल ऑफ यू, हाई, वेरी गुड इवनिंग. एंड प्लीज एक बार मुझे बस एक्नॉलेज कर दीजिए कि क्या मेरा वॉइस सही से आपको ऑडिबल है कि नहीं, वेदर माई वीडियो एंड ऑडियो, बोथ द थिंग्स आर प्रॉपरली विजिबल टू यू और नॉट एंड ऑडिबल टू यू और नॉट. दिस विल गिव मी द अश्योरेंस के मैं सही तरह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ कि नहीं. सो गाइज, जस्ट डू लेट मी नो एंड विल क्विकली जम्प टू टूडेज टॉपिक. जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगेन गाइज, दिस इज फ्राइडे विद फोरम, जहां पे हम हर फ्राइडे ये सेशन करते हैं लाइव एंड वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री. हम सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के लाइव क्वेश्चन आंसर, यानी कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैंपेन्स, एड्स, ई मेल मार्केटिंग, SEO, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन दिस इंस्टाग्राम लाइव. नीचे वीडियो का ऑप्शन है और हमें ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट आ चुकी है. बट इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी इन द वीडियो फॉर्मेट, दैट इज ऑल पॉसिबल टूडे. बट आपको मुझे यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में पहले बताना पड़ेगा दैट वॉट इज दैट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट. एंड इफ आई फील के लेजिटिमेट क्वेश्चन यू हैव, आई डेफिनेटली टेक यू लाइव विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम लाइव. हाई, लॉट ऑफ पीपल आर वेविंग हैंड्स. हाई अल्दमाज, हेलो पूजा, हाई पूजा, हाई, वेरी गुड इवनिंग. आई एम सो हैप्पी टू सी दैट यू गाइज आर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो ये हमारा एक लाइव सेशन है Q&A, जहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग. एंड हमारे पास पहला क्वेश्चन भी आ चुका है. बट बिफोर आई जम्प इन टू द आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन एंड आपकी क्वेरी सॉल्व करो, उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, दैट इज अबाउट द फेसबुक एड्स. हम फेसबुक एड्स के बारे में बात करने वाले हैं, मोर अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ द फेसबुक एड्स, क्या कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, न्यू थिंग्स दैट इज इन द फेसबुक एड्स. सो दैट इज समथिंग माई फेवरेट टॉपिक, यू नो आई रियली लव टू प्ले अराउंड, लाइक मैं हैंड्स ऑन करती हूँ, बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करती हूँ एड मैनेजर के अंदर. एंड आई रियली लव दिस पार्ट फॉर द डिस्कशन. बट येस, थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू फॉर यू नो अप्रिशिएटिंग एंड ज्वाइनिंग. ऑल राइट, सो श्रीशा, सम डिजाइन फैक्ट्री हैज आस्क्ड अस हाउ टू डिजिटल मार्केटिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री. ओके, दिस इज अ वेरी यू नो ब्रॉड क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड मी, एक इंडस्ट्री और उसमें कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए. नाउ आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ इज हु इज योर टारगेट ऑडियंस, करना चाहते हो. एंड इफ यू गेट दिस टू आंसर, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, यू विल गेट द आंसर बाई योर सेल्फ. लाइक आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू, मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए. एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू बाई गिविंग एटलीस्ट 5 tips दैट हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री. बट आई वॉन्ट यू टू गेट एम्पावर, आई वॉन्ट यू कि आप खुद अपने डिसीजन खुद ले पाए, आप इसको और एम्पावरिंग कर पाए. सो आई वॉन्ट दैट स्किल सेट टू डेवलप इन यू. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू थिंग्स, आस्क योर सेल्फ दिस टू क्वेश्चन, हु इज योर टारगेट ऑडियंस एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दैम, बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, यू नो. सो आप क्या बात करना चाहते हो, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या प्रेजेंट करना चाहते हो, यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑन दैट. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके पास आपका टारगेट ऑडियंस होगा, आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप बन जाएगी. बट स्टिल गिविंग यू मोर इनसाइट्स अबाउट दैट, हाउ कैन यू डू
डिजिटल मार्केटिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग. आई थिंक वेरी गुड केस स्टडी आई वुड से इज आपकी फील्ड में ही है, आई थिंक फ्लिप स्पेस और सम ब्रांड नेम आई रियली कैन रिकॉल, विच दे आर डूइंग ट्रिमेंडियस एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. आई हैव सीन देयर एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स ऑफ द प्लेसेज दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड. उन्होंने बहुत अच्छे ऑफिस स्पेसेस जो बनाए हैं उनके इंटीरियर डिजाइन का, उनको पूरा वीडियो शूट किया है पहले कैसा था और बाद में कैसा है. सो बिफोर एंड आफ्टर उन्होंने दिखाया है एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ऑफिसेज के, क्रिएटिव सेक्शन एंड देन यू नो द वॉर रूम कैसा होता है एंड ऑल दैट. एंड देन दे हैव शोड दिस वीडियो एड्स टू द पीपल हु आर मे बी बिजनेस ओनर्स एंटरप्रेन्योर्स. यू कैन शो द एडवर्टीजमेंट टू द फीमेल्स अगर आप घर के इंटीरियर डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो. And platforms also, I think for you would be Instagram and Facebook more because वहाँ पे display ads आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो. And if you have a really great budget which you can spend it, you should definitely try YouTube ad and Google ads. So yes, that's the key point from my end. Video ads, Facebook and Instagram, target audience ad कीजिए आपका सही से and then just go for it. And fifth and very important is try retargeting the same audience. आप try कीजिए अपनी audience को बार बार same audience को retarget कीजिए. So that will give you the most of the leads and most of the people to reach out. All right. So hi Pradeep. Hi, hello. Okay. Is it a good to take Instagram promotions on our song post? Pooja, 100% and like person like you, I really admire. आप सूरत के हमारे गौरव हो, आप हमारी सूरत की शान हो कि जहाँ पे आपका जो टैलेंट है सिंगिंग का टैलेंट, इट शुड रीच आउट टू मोर पीपल. सो डिपेंडिंग ऑन द जॉनर ऑफ योर सॉन्ग आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज सिलेक्ट योर ऑडियंस एंड रीच आउट टू मोर पीपल. आपके सॉन्ग जो आप सिंग करते हो उसके जॉनर के हिसाब से, अगर आप गुजराती सॉन्ग कर रहे हो गुजरात में ज्यादा कीजिए. इफ यू आर गोइंग टू द बॉलीवुड, इफ यू आर गोइंग टू द सम रैप, उस हिसाब से आप स्टूडेंट्स को टारगेट कीजिए एंड कीप डूइंग लाइक मे बी आप मंथली ट्वाइस यू कैन रन द कैंपेन्स टू हैव अ प्रोफाइल विजिट. इससे आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक दैम टू द यूट्यूब यू कैन डू दैट एज वेल. नाउ जनरली यहाँ पे एक बहुत अच्छी लर्निंग मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. इट्स नॉट ओनली फॉर पूजा बट इट्स फॉर एवरी वन हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ एंड हु इज देयर. गाइज रिमेंबर थंब रूल. वन थंब रूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज अगर आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर की ऑडियंस को अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर रीडिरेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस कर रहे हो कि दैट पीपल शुड गो टू योर यूट्यूब, देन Of course, Instagram algorithm by itself, by nature, by organic, आपकी post की reach थोड़ी कम कर देगा because they really don't want the audience of their own network to go and spend time to some other platform. So this is a big learning, guys. That's for everyone to remember this thing. Moving ahead, I hope Pooja, you're gonna do the ads on Instagram. I really wish you all the best. Okay. Kushal is asking what exactly Discover ads are. Kushal, okay. So I'll tell you the base. Like, okay, marketing में जब हम ads campaign की बात करते हैं, there are two type of ads. One is a push ads, one is a pull ads. मैं वापस repeat कर रही हूँ. One is a push ads and another is a pull ads. Push ads और pull ads क्या होते हैं? For example, आप Facebook scroll कर रहे हो. You really don't want to see any advertisements. आपने Facebook कोई advertisements देखने के लिए open नहीं किया है and still आपको कोई company की advertisement दिख जाती है, banner or video or anything. That is called as display ads, that is called as push ads. यानी कि आपको push किया जा रहा है ये advertisements देखने के लिए, जबरदस्ती in a way. But that is something of push ads. Now what is pull ads? Pull ads यानी कि जब इंसान, जब कोई भी पर्सन ऑन द इंटरनेट, ऑन द गूगल, जब वो सर्च कर रहा है, व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ रेड नाइकी शूज, और जब मैं गूगल पे लिख रही हूँ रेड नाइकी शूज, तभी मुझे वो रेड नाइकी शूज की जब एड दिख रही है, इसे कहते हैं पुल एड्स. यानी कि जब इंसान कुछ सर्च कर रहा है और तभी उसको वो एड्स दिख रही है.
Now that's where the discovery ads comes into the picture. Discovery ads यानी कि keywords के ऊपर आधारित advertisements. जब लोग discover कर रहे हैं, जब लोग search कर रहे हैं Google के ऊपर, तब जाके आपकी ads दिखेगी and that is what is discovery ads. I wish you really all the best that you will do great in the discovery ads. Remember few of the plugins of the Google ads. Google ads works really well with their plugins. So just go forward for it. All the best. All right. बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं and that's I am really happy to see that. हमें video request आ रही है श्री सजानंद डिजाइन फैक्ट्री. सो प्लीज लेट मी नो आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हो. आई विल डेफिनेटली टेक यू लाइव विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम लाइव एंड मैं आपसे वीडियो में भी बात कर सकती हूँ. नो प्रॉब्लम. फ्राइडे विद फोरम का मेन एजेंडा ही वही है कि मैं आपसे वीडियो के फॉर्मेट में बात कर पाऊं. बट जस्ट लेट मी नो योर एजेंडा ऑफ डिस्कशन. आई विल डेफिनेटली टेक यू लाइव विद मी. थैंक यू सो मच. येस कुशल ऑफकोर्स एनी टाइम यू आर ऑलवेज वेलकम. All right, Mr. RKC is asking, what are the some digital services that are in demand? I am still not getting your question exactly. What are the some digital services that are in demand? But I can still, jo meri understanding hai, aap mujhse puchna chahte ho ki digital marketing mein aisi kaun si services hai jo bahut acche se work demand mein hai. One thing which is most in the demand is festival post. And I am so sorry, that is not digital marketing. Festival post is not digital marketing, guys. Please do not focus on that more. Second, जो बहुत अच्छे demand में है, that is something advertisements. अगर आप paid sponsored advertisements में अगर आप excel कर रहे हो, that is something that service is यानी कि ad managers जो होते हैं उनकी आजकल बहुत demand है. Industry specific content writers यानी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, अगर वो अपना मार्केटिंग करना चाहती है तो वो अपने इंडस्ट्री के किसी लोगों को जो कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं उनको ढूंढ रहा है. सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट राइटर्स, मे बी अगर फाइनेंस सेक्टर है तो फाइनेंस में जिनको नॉलेज है प्लस कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा है. सो लाइक दैट यू नो दैट इज वेरी मच इन डिमांड राइट नाउ. एंड थर्ड आई वुड से वीडियोज, यानी कि अगर आप वीडियो डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट मेकिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, इसमें से किसी कहीं पे भी इफ यू आर फिटिंग आउट योर सर्विसेज, आई थिंक वीडियोज आर जस्ट इन ट्रेंड राइट नाउ एंड दे आर इन डिमांड. हाई डिमांडिंग थिंग इज दिस. सो गाइज एंड कंप्लीटली फिर मैं कहूंगी इसके ऊपर तो कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग इट सेल्फ इज इन द डिमांड राइट नाउ. आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस स्टैटिस्टिक्स और दिस स्टडी विच वी हैव डन इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द पेंडेमिक इज बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में, डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ के बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में जहां पे ले ऑफ हो चुका है, 50% सैलरी पे लोग काम कर रहे थे और मे बी यू नो लोगों की जॉब चली गई है, फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, वहीं पे सेकेंड साइड पे डिजिटल मार्केटिंग हैज 3 गुनी ज्यादा जॉब प्लेसमेंट्स, यानी कि 3 times मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज वी हैव इन डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो डिमांड अभी बढ़ रही है उसके सामने हमारे पास प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स नहीं है. सो गाइज एनीबडी हु वुड लाइक टू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग सेशंस, अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, 1 मार्च से हमारे सेशन आ रहे हैं एंड स्पेशली टू एम्पावर पीपल ऑफ सूरत, यानी कि आप बहुत ही इंडस्ट्री में बहुत ही लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में ये चीज अगर सीख सकते हो तो ये 1 मार्च से आ रहे हैं अलॉन्ग विद द सदर्न गुजरात ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी कि SGCCI के साथ. सो दिस इज समथिंग अ लोएस्ट इन्वेस्टमेंट. 1 मंथ का प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, कंप्लीटली 1 मंथ का एंड 3 ट्रेनर्स आर ऑन बोर्ड एंड वी ऑल आर डूइंग दिस एज अ एक गुड कॉज के लिए हम इसे कर रहे हैं विद SGCCI. सो प्लीज एनरोल अगर जो भी लोग हमसे सीखना चाहते हैं. एंड Do you have, next question I do have is, do you have your own digital marketing agency in Surat? Yes, we can reach out to me anytime if you know want to know more about my office, my address of the office and services apart from digital marketing trainings. Please reach out to me in DM. I will definitely share the details with you. All right, so moving ahead.
दिस इज फ्राइडे विद फोरम गाइज, जहां पे हम हर फ्राइडे 6 o'clock को शार्प लाइव करते हैं एंड वी टॉक अ लॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. दिस इज अ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन. आप मुझसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो फील फ्री, डू नॉट हेजिटेट, एंड आप मुझसे पूछ सकते हो. नीचे वीडियो के फॉर्मेट में भी आप उनसे बात कर सकते हो, आप मुझे क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हो. यू कैन जस्ट कॉमेंट इन अ कॉमेंट बॉक्स, आप नीचे चैट में कॉमेंट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन लिख सकते हो. आपके इंडस्ट्री रिलेटेड, स्ट्रैटेजी रिलेटेड, एड्स, फेसबुक एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स, whatever you want to know about, so just let me know. I will help you 100%. So moving ahead, aaj ka jo hamara topic hai, topic of the day jo hai hamara, wo hai Facebook advertisements. So hum uske upar beech mein 2 minute baat karenge. Wapis main aapke question answers le lungi beech mein, but there are 2 questions. Okay, how can I enroll? Kisi ne hame pucha hai ki aap enroll kaise kar sakte ho mere 1st march se jo batch online hone wale hai, sorry batch jo shuru hone wale hai, and that is offline. Okay, it's not online. So guys, yeah, if you want to learn practically with me, aap mujhse milke seekhna chahte ho, this is the best opportunity. And to enroll, I'll share a link in the DM. Aap mujhe DM kar dijiye, main aapse link share kar dungi. You can just go to online and you can pay the fees and you can just enroll. Just 2-step process and that's it. Very simple, yaar. Digital ka zamana hai. Sab digital hai, sab online hai. Alright. Hi, Abhi. I'm fine. Thank you so much. मूविंग अहेड, हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन के राउंड में. सो वाई टू थिंक हार्ड एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स मेक एवरी डे ईजी, कीप ट्राइंग. ओके, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द क्लाइंट्स ऑफ दीज सर्विसेज, मिस्टर आर के सी इज आस्किंग. ओके, इफ यू आर इंटू द मिस्टर आर के सी, लाइक इफ यू आर इंटू द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आप अगर ये सारी सर्विसेज में होना, फर्स्ट ट्रस्ट मी, if you are just sharing with 5 people, they will give you the reference. अभी इतनी डिमांड है. अगर आप अपने नेबर्स से भी इसको शेयर करोगे that you are into this kind of a services, video making, content writing, you are gonna get a lot of reference. Second, प्लीज आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रमोशन कीजिए. दैट्स इट. डिजिटल के ऊपर रखिए अपनी स्किल्स, रखिए अपनी सर्विसेज, पीपल विल कॉन्टैक्ट यू सामने से. थर्ड, आप बिजनेस नेटवर्क्स, नेटवर्किंग के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें ये मैसेजेस स्प्रेड आउट कर सकते हैं दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू वेंचर एंड यू आर डूइंग दिस न्यू सर्विसेज. एंड आइडेंटिफाई योर टारगेट क्लाइंट्स कौन है, आप कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा ये क्लाइंट्स को केटर करना चाहते हो. एंड एसोसिएशंस होते हैं इन इस बिजनेसेस के, तो आप उनके तक पहुंच सकते हो. एंड जस्ट रीच आउट टू मोर पीपल थ्रू ऑनलाइन. आई थिंक आप अगर ऑनलाइन सर्विसेज में हो देन ऑफकोर्स ऑनलाइन इज द बेस्ट थिंग. ओके, so enjoy the digital transformation for your business as well, for your services as well, and reach out to more audience. So aaj ka hamara jo topic hai, that is about Facebook advertisements. Guys, I am so thrilled to share this study of mine ke last 6 mahine mein, last 6 months mein Facebook ad manager has completely upgraded. There are so many things which has been updated. आईफोन के साथ के उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं फेसबुक एड्स में. और फेसबुक एड्स में जो चेंजेस आए हैं उसके साथ साथ उनके परफॉर्मेंस में, पेमेंट में, रिपोर्टिंग्स में, रिपोर्ट में नया एक फीचर भी आया है दैट यू कैन सी द रिपोर्ट्स ऑफ ऑल ओवर योर एड्स. एक ही जगह पे आपको सारा कॉन्सोलिडेट रिपोर्ट मिल सकता है एंड विथ मोर डिटेल स्टडीज. आई रियली लाइक दैट अ लॉट. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये गेम चेंजर था. इन फेसबुक एड मैनेजर इज नाउ मोर मेच्योर, यानी कि नाउ एवरी फेसबुक प्रोफाइल हैज अ बिजनेस मैनेजर. फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप अपना एक एड मैनेजर बना सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ पर्सनल प्रोफाइल एड मैनेजर ऑल्सो, एंड बिजनेस मैनेजर के अंदर कंपनी का बिजनेस एड मैनेजर ऑल्सो. सो 2 एड मैनेजर्स, 1 कैन बी प्रीपेड, 1 कैन बी पोस्ट पेड, एंड यू कैन जस्ट रन द एडवर्टीजमेंट एज मच एज यू वॉन्ट टू रन इट. सो वाई आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, यू नो रिसेंटली किसी ने हमसे शेयर किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक आई वॉज सो हैप्पी. और मैं जब ये मैंने सुना मेरे गूज़बम्स आ गए थे दैट समबडी इज रियली शेयर्ड विथ मी दैट आफ्टर लर्निंग अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम मी एंड द फेसबुक एडवर्टीजमेंट स्पेशली, दे हैव स्पेंट एक्स नंबर ऑफ अमाउंट एंड दैट नंबर इज डेफिनेटली इन billions. I can't share that, but you know people have spent that much of amount by their own. उन्होंने इतनी ads run की है Facebook के ऊपर और उनसे उनको 10x business मिला है.
ओ माय गॉड, दैट वाज सो ग्रेट. मतलब ये एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी जो हमें पता चली. एंड आई थॉट दैट व्हाई एवरीबॉडी इज नॉट यूजिंग द फेसबुक स्पॉन्सर्ड एड्स, यू नो, पावर एंड एड मैनेजर. सो कहीं ना कहीं लोगों को पता ही नहीं है कि हम टारगेट बेस्ड मार्केटिंग की जो बात करते हैं, फेसबुक का जो मेन पावर है, जो मेन फीचर है, दैट यू कैन फिल्टर द ऑडियंस एंड यू कैन डू द एडवर्टीजमेंट्स, दैट इज थ्रू दिस पेड मीडिया. अब लोग पैसे अंदर इन्वेस्ट करके अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट एट ऑल डूइंग अ मार्केटिंग, बिकॉज पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग. आई एम जस्ट रिपीटिंग, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग. सो गाइज, वी नीड टू हैव मोर. एंड जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, मैम कितने अमाउंट स्पेंड करने चाहिए. सी, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर मार्जिन, डिपेंडिंग ऑन द पर प्रोडक्ट कॉस्ट, आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आ रही है, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन. टू स्टार्ट विथ, आप एक स्मॉल बजट लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो, एंड यू जस्ट स्टार्ट एन एडवर्टीजमेंट. आप दो तीन एडवर्टीजमेंट्स करिए, उसमें थोड़े ट्रायल्स कीजिए, डिफरेंट बैनर्स, डिफरेंट कॉन्टेंट, डिफरेंट ऑडियंसेस, and slowly and gradually see that you know your grip will be more tight on this campaigns. Paid advertisements mein aapki grip bahut tight ho jayegi, and then you will one day realize that now you are having a pro skills in this digital marketing ads. And when and how much to pay, whether it is necessary to pay this and do the sponsored advertisements, ye sare questions aapke mind mein aa rahe honge. जी हाँ, आई नो यू मस्ट बी फीलिंग दैट कि क्यों हमें ये करना चाहिए एंड करना कितना जरूरी है, कितना परसेंटेज करना चाहिए. देन लेट मी शेयर दिस विथ यू गाइस. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोएम मॉडल, लाइक पेड मीडिया, ओन मीडिया, अर्नड मीडिया. सो इन पेड मीडिया ऑलवेज यू शुड हैव 30% ऑफ द वेटेज ऑफ योर टोटल डिजिटल मार्केटिंग बजट. अगर आपका 1,00,000 का डिजिटल मार्केटिंग का बजट है एक महीने का, उसमें से 30,000 आपके यूज होने चाहिए इन योर डिजिटल कैंपेन्स, यानी कि स्पॉन्सर्ड एड्स में. जी हाँ, दैट इज द रेशियो व्हाट यू कैन गेट इट. 50% यू शुड फोकस ऑन योर ओन ब्रांड रिलेटेड कॉन्टेंट, यानी कि आपके ब्लॉग्स, आपके वेबसाइट के कॉन्टेंट, यू नो, योर कैंपेन्स, रेगुलर पोस्टिंग्स एंड एक्सेट्रा. एंड देन नेक्स्ट, रिव्यूज एंड रेटिंग्स. अर्न मीडिया गाइज, आपने जो इतनी मेहनत करके, आपकी एक्सपर्टीज के तौर पर जो आपने कमाया है, एंड दैट इज अ गुडविल वॉट यू हैव अर्नड. सो गुडविल को यूज कीजिए. डिजिटल गुडविल को कहते हैं हम रिव्यूज, रेटिंग एंड टेस्टिमोनियल्स. सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू इट गाइज. ऑल थ्री आर सो इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग इन एट इट्स ओन प्लेस, एंड दे ऑल टूगेदर ओनली फॉर्म अ करेक्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो keep doing the advertisements, I would say, and that will take you to the more new people. Otherwise, हम अगर ads ही नहीं करेंगे, अगर हम नए लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा जो audience है, जो pool है हमारा audience का, वो saturate हो जाएगा. Someday it will get saturated. So you need to have more reaching out to know new people. And that's why the ad budget is required. So Facebook ads. राइट, सो फेसबुक एड्स के बारे में हम बात कर रहे थे. थ्रू बिजनेस मैनेजर आप अब एक एड अकाउंट बनाते हो, और एड अकाउंट के अंदर आप ये सारे एडवर्टीजमेंट्स करते हो. सुपर, राइट, सो एक्साइटिंग. एंड गाइज, इफ यू आर डूइंग एडवर्टीजमेंट्स, अगर आप स्पॉन्सर्ड एड्स कर रहे हो, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यू, एनी हेजिटेशन यू हैव, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. आई विल बी एबल टू हेल्प यू एनी टाइम. हम फ्राइडे विद फोरम एवरी फ्राइडे करते ही इसीलिए है कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ. आई कैन रीच आउट टू यू विद एग्जैक्ट क्वेश्चंस कि आपके आंसर को लेके, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते हुए. सो डू लेट मी नो एनी टाइम, आई वुड लव टू हेल्प. मूविंग अहेड, सो गाइज, बहुत सारे लोग हमें बाद में और नए जुड़े हैं, उन सभी लोगों के लिए जस्ट अ स्मॉल ब्रीफ. दिस इज फ्राइडे विद फोरम, जहां पे हम हर फ्राइडे ये लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं. एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग. आप मुझसे कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन जस्ट पुट इट इन अ कॉमेंट बॉक्स, और वीडियो के फॉर्मेट में मुझसे बात कर सकते हो, और नीचे क्वेश्चन है. सो जस्ट फील फ्री टू आस्क. Alright, so we have got one question. The ads price. Very nice. So ad price again is very different, and it has to be calculated very differently for every business. Like let's take an example of a real estate. अब
अगर 2 करोड़ का फ्लैट आपको बेचना है तो उसके लिए यू कैन स्पेंड एटलीस्ट 20,000 इन वन एड. बट उसके सामने अगर आप एक छोटा सा केक बेचना चाहते हो, सो ऑफ कोर्स द केक कैन नॉट गिव यू द बजट ऑफ 1 वीक में आप 20,000 नहीं स्पेंड कर सकते हो. सो टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस मॉडल, योर टोटल रेवेन्यू, योर एक्सपेंशन, योर टारगेट ऑडियंस. आप उसके ऊपर ये डिपेंड करता है दैट एड्स की प्राइस क्या होनी चाहिए. सो वी हैव गॉट मोर क्वेश्चंस. ओके टिप्स फॉर ट्विटर, वेरी नाइस. हु हैज आस्क्ड मी, लेट मी सी दैट. टिप्स फॉर ट्विटर, ओके. ट्विटर इज अ ओपिनियन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म आई वुड से. सो रादर वहां पे आप थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कीजिए ज्यादा. ओके, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी यू नो पॉलिश इन योर कम्युनिकेशन. यू नीड टू बी वेरी मच अपडेटेड विथ लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड थिंग्स हैपनिंग ऑन ट्विटर. ट्विटर में राइट साइड पे एक ऑप्शन होता है द ट्रेंडिंग थिंग्स, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दैट. जहां पे आपको जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग मिले, अगर आप उस टॉपिक में कुछ अपडेट कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो एट अ टाइम, यू शुड डू दैट. दैट विल गिव यू मोर हाइप. सेकेंड, ट्विटर इज वेरी मच लाइक डे टू डे अपडेट थिंग्स. लाइक आप दिन में 3 ट्वीट भी कर सकते हो, एंड आई हैव सीन पीपल हु आर डूइंग लॉट ऑफ ट्वीट्स इन अ डे. बट आई थिंक 3 टिप्स वुड बी यू नो रियली द हाई पेस फॉर द ट्विटर अकाउंट, एंड यू विल डेफिनेटली सी मोर यू नो द रिस्पॉन्स इफ यू आर डूइंग दैट कंसिस्टेंटली. ट्विटर में हैशटैग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज जस्ट पे अटेंशन ऑन द हैशटैग, दो दैट्स अ लिमिटेड, वहां पे बहुत लिमिटेड स्पेस मिलता है हमें कॉन्टेंट के लिए. बट यू कैन ट्राई गुड हैशटैग्स इन दैट, 1-2 एटलीस्ट हैशटैग्स. द न्यू फीचर्स वट एवर कमिंग इन द ट्विटर, ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स मोर यू नो एम्पथाइज ऑन दोज न्यू फीचर्स. जैसे कि ट्विटर की स्टोरीज, यानी कि फ्लीट. ट्विटर में जो स्टेटस एंड स्टोरी रखते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम में रखते हैं, वेबसाइट में सॉरी व्हाट्सएप में रखते हैं, तो वैसे ही ट्विटर में जो रखते हैं उसे कहते हैं फ्लीट. सो फ्लीट वर्क्स रियली वेल. एंड देन वी ऑल्सो हैव अनदर फीचर विच इज नाउ अ वॉइस फीचर. अब ट्विटर में रिसेंटली न्यू फीचर लॉन्च हुआ है विच इज अ वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर. सो आप पॉडकास्ट के फॉर्मेट में, यानी कि वॉइस के फॉर्मेट में भी ट्वीट कर सकते हो, एंड दैट इज समथिंग राइट नाउ गोइंग वेरी मच बूमिंग. मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम रील्स. यू नो यू आर गेटिंग सुपर रिजल्ट इन इंस्टाग्राम रील्स, लाइक दैट यू आर गेटिंग ग्रेट रिजल्ट ऑन ट्विटर ऑडियो ऑल्सो. नाउ वन लास्ट टिप फॉर ट्विटर इज, इफ यू आर रनिंग सम चैलेंज, इफ यू आर रनिंग सम यू नो चेन ऑफ मैसेजेस, that would give you more mileage, and you will be able to you know take out your the Twitter account on a next level. So moving ahead, hamare sath aur log jude hain. Neil wants to connect with me on the video format. So Neil, I'm just accepting your request. I hope you have a legitimate question to ask. फ्राइडे विद फोरम, जहाँ पे आप मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट सेंड मी द रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम लाइव टू कनेक्ट विद मी हियर ऑन द लाइव. सो आई थिंक नील, दिशा हाय, थैंक यू सो मच. ओह ऑलवेज वेलकम दिशा. हाय जनक जी, कैसे हो? So I think Neil might have sent a request by mistake, क्योंकि वो हमारी accept में कुछ problem आ रहा है, उन्होंने request भेजा है फिर भी. So big deal, हम दूसरे लोगों को मौका देंगे जो Friday with Forum में, जो हम हर Friday करते हैं, उसमें अगर हमसे आप question पूछना चाहते हो, अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, you can just send me a request on the video also. सो आज का जो हमारा टॉपिक था गाइज, दैट वॉज अबाउट मोर फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स. पर किसी ने हमें क्वेश्चन पूछा है अबाउट ट्विटर ऑल्सो, हमने ट्विटर की भी बात की, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेनी अदर टॉपिक. सो आफ्टर द लाइव गेट्स ओवर, वी आर गोना अपलोड दिस कम्प्लीटली ऑन माई यूट्यूब ऑल्सो एंड ऑन माई IGTV ऑल्सो. यू कैन एंजॉय द कम्प्लीट वीडियो लेटर एज वेल. एंड वी हैव गॉट वन क्वेश्चन. यार क्वेश्चन आंसर राउंड ही तो है, लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड है. आप मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, ये मौका हर हफ्ते सिर्फ एक ही बार आता है. सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग गाइस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. SEO के लिए क्लाइंट्स कहां से ले सकते हैं? अभिनव मिश्रा.
ओके, वी हैव गॉट वन मोर. ओम देवानी की हमें वीडियो रिक्वेस्ट आ रही है. अभिनव, मैं आपका डेफिनेटली क्वेश्चन लूंगी आफ्टर द जस्ट टेकिंग दिस ओम. ऑलराइट, सो लोग हमें वीडियो में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नील इज कॉन्स्टेंटली सेंडिंग द रिक्वेस्ट. ओके, आई एम लेट मी जस्ट टेक नील ऑन द लाइव. दिशा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू योर क्वेश्चन. अभिनव, दिशा, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन बिफोर द लाइव गेट्स ओवर. बट नील हमें बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सो आई एम जस्ट गिविंग लास्ट अपॉर्चुनिटी टू नील टू कनेक्ट, अदरवाइज विल जस्ट मूव अहेड. ऑलराइट, सो मीनवाइल बात करते हैं हम अभिनव मिश्रा के क्वेश्चन की. एसईओ के लिए क्लाइंट्स कहाँ से ले सकते हैं? आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हाट यू शुड डू इज गेट टाई अप विद द आईटी एंड वेबसाइट डेवलपमेंट टीम. आप वेबसाइट डेवलपमेंट टीम के साथ टाई अप कर लीजिए. जितनी वेबसाइट वो लोग डेवलप करेंगे, द मोर दे डेवलप द वेबसाइट, यू आर गोना गेट ऑल दोज क्लाइंट्स रिकमेंडेशन. दैट इज वन. सेकेंड, ऑनलाइन से आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हो गाइज. देयर इज अ फीवर एप्लीकेशन है एंड ऑनलाइन और बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पे लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं एंड वर्क देते हैं एंड शेयर करते हैं. यू कैन जस्ट पुट आउट टू योर यू नो मोर ऑन सोशल मीडिया. आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे और हर जगह पे इसको पब्लिश कर सकते हो दैट यू आर इन टू एसईओ एंड यू आर लुकिंग फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के क्लाइंट. अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री यानी कि बेकरी के क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हो, अगर आप सिर्फ ट्रेनर एसोसिएशन को ढूंढना चाहते हो, देन यू कैन पुट दैट एग्जैक्टली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड दैट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली. सो टू थिंग्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. ऑनलाइन जस्ट स्प्रेड आउट टू मोर पीपल दैट यू आर डूइंग दिस, पीपल विल कम टू यू. And offline may, that's the only thing that I think get associations with your IT and website development teams. That will be the best connect for you. Moving ahead with the Disha Doshi. So yeah, all the best Abhinav. I wish you all the really best and my answer would help you to get more clients. Agar aapko clients bahut achhe mil rahe hai aur milenge aage, to please dua mein yaad rakhna. All right, so Disha. Ma'am, can you explain how much percentage budget we should spend on Facebook ads? Disha, I've just talked like 2 minutes before about this. I have talked about the complete POEM model, jahan pe aapka total jo digital marketing ka budget hai, usme se 30% you should spend it on the paid campaigns. That is there. Okay, so we have got one more question. ओके, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लोग मुझे वहां पे थैंक यू बोल रहे हैं. अंकित मुझे थैंक यू बोल रहे हैं. थैंक यू सो मच अंकित, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज वेलकमिंग यू. ओके, हर्ष पंचाल इज सेंडिंग मी द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वेस्ट. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स लेफ्ट. गाइज, फ्राइडे विद फोरम, हर फ्राइडे हम 6 o'clock को लाइव करते हैं एंड वी टॉक अ लॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. आपके जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हो. दिस इज लाइव ओपन क्वेश्चन आंसर राउंड. 1 मार्च से हमारे सूरत में फिजिकल प्रैक्टिकल वर्कशॉप शुरू हो रहा है. सो टू रजिस्टर, हुएवर वॉन्ट्स टू लर्न प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग, लैपटॉप लेके आपको अगर मुझसे सीखना है फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, गूगल कीवर्ड्स, ब्रांडिंग, कॉन्टेंट, ई कॉमर्स, एमेजॉन, ये सारी चीजें हम वहां पे बात करने वाले हैं. सो डू रजिस्टर, डीएम मी फॉर द रजिस्ट्रेशन. और हमने पोस्ट में भी हमारे डाला है, लाइक हमारे फीड पे अगर इंस्टाग्राम पे आप देखोगे पोस्ट में भी है दैट हाउ टू एनरोल. एक लिंक है ऑनलाइन sgcci.in के ऊपर जो सीधा आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है एंड जस्ट यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड रजिस्टर एंड पे, दैट्स इट. सो वाओ अंकित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस दैट we have got more clients after your live experience. That's really a huge comment for me. That's really huge. Thank you so much. I'm so happy that I could contribute into your life. And that makes me feel more and more of doing more live sessions. Trust me, I would share this, like, you know, this is the 18th episode of Friday with Fora. And of course, after a certain period of time, like after 15 live sessions, this is a like every week commitment from my side. Guys, this is a hardcore commitment. Dunya upar niche ho jaye, main Udaipur chali jaun ya main kahin pe bhi chali jaun, every Friday, this is my commitment from that I do it live session with all it easy. So after certain period of time, you know, you feel like
10 एपिसोड हो गए, 15 एपिसोड हो गए, एंड आई शुड जस्ट स्टॉप द सीरीज लाइव नाउ, बट पीपल लाइक यू अंकित, दैट ड्राइव्स मी मोर हैप्पीनेस एंड क्रेजीनेस फॉर डूइंग दिस लाइव सेशन, दैट आई एम एबल टू रीच आउट टू मोर पीपल. मैं मेरे गोल के और करीब पहुंच रही हूँ एंड मैं आपकी जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड द थिंग्स वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम मी इन एंड एटलीस्ट इन अ लाइव सेशन ऑल्सो. So wish you all the very best. Thanks. And for all rest of all guys, bye bye. See you. Take care. Hum next Friday wapis milenge. Friday with forum mein 6 o'clock ko sharp hum live karenge. Aap unse digital marketing, social media marketing ka koi bhi question puchna chahte ho, video mein bhi baat karna chahte ho, video conferencing mein mujhe request bhej sakte ho. So just see you and stay tuned for the next time. Bye bye. Take care. 1st March से हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इंटरेस्टेड है गाइस, डू रजिस्टर राइट नाउ बिफोर इट गेट्स फुल, सीट्स फुल हो जाए उससे पहले प्लीज रजिस्टर कर लीजिए. 1 मार्च से SGCCI सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारे 1 मंथ का वर्कशॉप है. बाय, सी यू, टेक केयर. रिमेंबर वन थिंग, टू ग्रो बिजनेस गो डिजिटल.